नमस्कार। करियर पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम गाइड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पूरा विश्व इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है एजुकेशन सेक्टर पर, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस बंद हुए, उनके एग्जाम्स प्रभावित हुए। कुछ जगहों पर प्रमोशन दिया गया, बच्चों को दूसरी क्लास में शिफ्ट किया गया। अभी भी छोटे बच्चों से लेकर कॉलेजों की अगर हम बात करते हैं तो आज भी स्कूल जो है वो ओपन नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या उन बच्चों को हो रही है जिनको लेक्चर अटेंड करना होता है, जिनको अपने टीचर से संपर्क करना होता है, अपने डाउट क्लियर करने होते हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याएं एजुकेशन सेक्टर जो है इस वक्त झेल रहे हैं और बच्चों के करियर से जुड़ी समस्याएं उनके सामने खड़ी हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम गाइड। तो कोरोना के इस दौर में शिक्षा का क्या विकल्प हो सकता है? क्या स्कूल का कोई दूसरा हमारे पास में प्रावधान है? और अगर इसी मोड पर हम पढ़ाई करते हैं तो इसका हमारे करियर पर क्या असर पड़ेगा? इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एजुकेशनिस्ट शैलेंद्र जैन। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू IBC फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस वंडरफुल सेशन ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। थैंक यू शैलेंद्र जी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी। शिक्षाविद की हैसियत से एक बड़ी संस्था को आप रन करते हैं, आपने देखा कि COVID-19 में जो सबसे ज्यादा असर पड़ा वो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स पे पड़ा, एग्जाम सेक्टर पर पड़ा। आपको लगता है कि इस COVID-19 को क्या हम अब अवसर में बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, COVID-19 को हम बहुत अच्छे से, इसको पॉजिटिव वे में अगर लें तो बहुत अच्छे से इसको आप बदल सकते हैं अवसर में। और इसमें जो एजुकेशन अभी ऑनलाइन हो रही है उसमें कंटेंट वेरिएशन भी हम इसमें कर सकते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमको चाहिए ताकि कोर्स के बाहर भी हम बच्चों को पढ़ा सकें, जो कि बहुत सरल हो चुकी है, कंटेंट पूरा अवेलेबल है और इतना समय बीत चुका है कोविड में कि बच्चों की भी अब आदत हो गई है ऑनलाइन में पढ़ने की, और एक आदत सी बन चुकी है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें क्या है कि एक हाइब्रिड मॉडल हमको तैयार करने की ज़रूरत है जिसमें कि कंटेंट भी जो है हम थोड़ा सा रिवाइज करें और बच्चों को थोड़ा सा आदत एक बनाने की ज़रूरत है जिसमें कि वो बैठ करके पढ़ाई करें। बट अप टिल नाउ इट हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल जर्नी एज फार एज द टीचिंग इन द COVID-19 टाइम्स इज कंसर्न थ्रू द ऑनलाइन मेथड। तो मेरे ख्याल से यह एक विकल्प बन चुका है और यह विकल्प आगे भी रहेगा ऑफलाइन चालू होने के बाद भी। शैलेंद्र जी, जब कोई रास्ता हमारा बंद होता है तो हमने देखा है कि हम उस जगह से मुड़कर अपने लिए दूसरा रास्ता तलाशते हैं। कोविड ने भी हमारे सामने कुछ ऐसी ही स्थिति करी, उसने हमें हमारे घर के अंदर बंद कर दिया। और एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि हमने तुरंत ही यहाँ पर एक इनोवेशन किया कि हम ऑनलाइन मैथड पर चले गए। आपको लगता है कि ऑनलाइन मैथड जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर हो रहा है बच्चों के लिए, चाहे स्कूल सेक्टर में हम बात करते हैं या कॉलेज में क्लासेस के लिए हम बात करें या आगे चलकर हो सकता है एग्ज़ाम के मोड में भी हम जाएँ, तो ये बदलाव आपको लगता है कि एक नया इनोवेशन कर रहा है? यह एक बहुत अच्छा मॉडल साबित हो रहा है इन इंटीग्रेशन विद ऑफलाइन। चूँकि अभी ऑफलाइन चालू नहीं है इसके लिए सभी लोग जो है अपने कंफर्ट जोन में हैं और अपने कंफर्ट जोन से जो है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है काफ़ी हद तक सभी स्टूडेंट्स के लिए, खास करके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स लोग इसमें काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे थोड़े छोटे होते हैं तो उनको थोड़ी तकलीफ़ ज़्यादा होती है, परंतु कॉलेज के बच्चे इसको काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि यह ऑनलाइन जो कोचिंग टीचिंग है यह ऑफलाइन चालू होने के बाद भी एक विकल्प के तौर पे हमेशा के लिए अब रहेगी, ताकि बच्चे को एक ऑप्शन अगर मिलेगा तो ही माइट चूज़ ऑनलाइन ओवर ऑफलाइन, नॉट ऑल बट अ फ्यू ऑफ देम डेफिनेटली, एंड इट्स प्रूविंग टू बी वेरी सक्सेसफुल विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द वर्टिकल्स ऑफ एजुकेशन। जहाँ तक कि बाकी चीज़ों का भी सवाल है, जैसे कि आपका क्या नाम से प्लेसमेंट्स वगैरह के भी सवाल हैं,
तो बहुत सारी कंपनीज प्लेसमेंट्स वगैरह को भी जो है ऑनलाइन अभी लेने के लिए जुटी हुई है एंड इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल अप टू अ लार्ज एक्सटेंट। आरआरटी इसमें किस तरीके से काम कर रहा है शरण जी, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बच्चों? हम लोग यहाँ पे क्लासेस रेगुलर लगा रहे हैं, कुछ हम लोग ने एक्सपर्ट्स हायर किए हैं बाहर से जो कि कोर्स से हट के बच्चों को जो है पढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण प्रैक्टिकलिटी में उनको जो है जॉब मिलने में इजी जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उनको एडिशनल लेक्चर्स के द्वारा पढ़ा रहे हैं, जिसको बच्चे बहुत अच्छे से पिकअप कर रहे हैं। हम लोग प्लेसमेंट्स भी करा रहे हैं, काफ़ी कंपनीज हम लोग ने उनसे वर्चुअल इंटरव्यूज़ वगैरह कराए हैं और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और ये सब भी हम लोग बच्चों को थ्रू स्पेशलाइज्ड कोचिंग हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा सराहनीय काम है। मतलब वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ हाइब्रिड मॉडल इन विच स्टूडेंट इज़ गेटिंग बेनिफिटेड विथ रिस्पेक्ट टू स्टडीज़ ऑल्सो एंड क्या नाम से प्लेसमेंट्स ऑल्सो। यही दो चीज़ बच्चों को चाहिए रहती है, जिसमें कि पढ़ाई अच्छे से हो और प्लेसमेंट हो जाए, तो यह हम लोग दोनों कर रहे हैं और एडिशनल भी हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज देयर इन द सिलेबस। ज्योति जी जी शैलेन जी, अगर हम एजुकेशन को देखें, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो जो कुछ कोर्सेस रन होते हैं उसमें एक तो बड़ा पार्ट होता है थ्योरी का। थ्योरी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो मुझे लगता है लेक्चर के माध्यम से इसको शॉर्ट आउट किया जा रहा है, लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है प्रैक्टिकल, यानी कि फेस टू फेस आपको रहना होगा, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं या वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में उन सब्जेक्ट्स की तरफ आरआईटी किस तरीके से काम कर रहा है और इसमें क्या मुश्किलें आई आप लोगों को? हम लोग प्रैक्टिकल जो है अभी जो उसके लिए हम लोग को जो गाइडलाइंस मिली हैं प्रैक्टिकल्स कराने के लिए बच्चों को, वह ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल हम लोगों को कराना पड़ रहा है। तो ऑनलाइन मेथड्स में जो हम लोग प्रैक्टिकल करा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत सारे रहते हैं, तो जो जो भी प्रैक्टिकल्स हम करा सकते हैं विच इज़ पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन, हम लोग वो प्रैक्टिकल सबको करा रहे हैं, स्पेशली हायर क्लासेस में। बट जैसे कि मोल्डिंग, कारपेंट्री और ये सब प्रैक्टिकल जो हैं ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो वो तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल इन द ऑनलाइन क्लासेस। परंतु जो भी बाकी प्रैक्टिकल जो हम ऑनलाइन करा सकते हैं उसको ऑनलाइन कराया जा रहा है और उसमें परीक्षाएं भी हो रही हैं, फाइनल ईयर की अभी है, बाकी क्लासेस की भी जो है अभी सबकी परीक्षाएं हो रही हैं। ये फाइनल ईयर के लिए तो चलिए ठीक है कि अब उनको वहाँ से निकल कर कैंपस होना है या जॉब में जाना है, ये एक अलग विषय है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए आगे मौका है कि अगर कोरोना काल से हम एक साल में निकल जाते हैं तो उसको क्या वो आगे रिवाइज कर पाएंगे, या उन कॉलेज की भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो पार्ट था जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा है क्या उसको कंपनसेट किया जाए, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम आगे चल कर निकाला जाए जब हम कोरोना से फ्री हो जाए, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है उन बच्चों के लिए? है कि क्लासेस को ना हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि हर क्लास रिकॉर्ड हो रही है और यूट्यूब में जा रही है वो, तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि बच्चा जो है जैसे अगर नहीं समझ पाया कोई चीज़ को तो वो यूट्यूब में चले जाता है और देख लेता है क्लास को, तो ये सबसे अच्छी चीज़ यही हो रही है इसमें ऑनलाइन टीचिंग में। तो बाद में भी ये ओपन रहेगा, क्या करेंगे हम लोग, बाद में भी जब ऑफलाइन चालू भी हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग हर क्लास की होती रहेगी और वो यूट्यूब में जाते रहेगा, ये कब सिस्टम हो गया अब ये, तो उससे क्या बच्चे लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है मैडम। तो हम लोग जो है यह चीज़ को रेगुलर रूटीन में ले आए हैं एंड ईच एंड एवरी लेक्चर इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड विच इज़ बेनिफिटिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बिकॉज वो देख लेता है बाद में, उसको समझ लेता है, टीचर को भी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं बार बार समझाने की, उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो वो बात कर ले, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है यूट्यूब में, वो धीरे धीरे अपना हर चीज़ को समझ लेता है। तो ये बाद में भी चालू रहेगी मैडम, ऑफलाइन के बाद भी यह पद्धति रिकॉर्डिंग वाली चालू रहेगी, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है बच्चों के हिसाब से मैडम।
तो चलिए, खतरे को आप लोगों ने अवसर में बदल दिया है। एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ एजुकेशन सेक्टर बढ़ रहा है कि अब वो ऑनलाइन पढ़ाई भी करेगा, ऑनलाइन सिलेक्शन भी होगा, और सबसे बड़ी बात है कि अब जॉब भी ऐसे हो रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम यानी कि वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो एक नई दिशा कोरोना ने जरूर दी। शैलेंद्र जी, ऑनलाइन की जब हम चर्चा करते हैं तो इसका सीधा कनेक्शन होता है नेट से, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि ऐसे इलाके जहां पर नेट की सुविधा बहुत अच्छे से उपलब्ध नहीं है या नेट बहुत अच्छे से ना आ रहा हो, और कॉलेज में हर तरीके के बच्चे आते हैं, दूर दराज गांव के भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, ऐसे में फिर उनके लिए क्या कोई मुश्किल होती है? अगर होती है तो उसका समाधान कैसे होता है? यह एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंटीरियर में जहाँ पे वाईफाई कमज़ोर है वहाँ पे थोड़ी मुश्किल तो होती है, और यही मैं अनुरोध कर रहा हूँ, करता हूँ सरकार से कि इंटीरियर में भी वाईफाई पहुँचाई जाए, ताकि कोरोना काल और उसके बाद भी रिमोटेस्ट एरिया में भी जो है बच्चा जो है पढ़ सके, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में दिक्कत तो है जहाँ तक कि वाईफाई का सवाल है, परंतु 4G अभी जो स्टेट की जो हालत है अपने वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी एरियाज कवर्ड अप हो रहे हैं जियो आने के बाद, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। बट इसके बाद भी अगर कोई एरिया छूट रहा है तो वो एरिया, मेरा अनुरोध है वो फिर से सरकार से कि सभी एरियाज़ को वो कवर करें और कवर करके सब जगह वाईफाई पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि कोई बच्चा एजुकेशन से वंचित न रहे, जहां तक कि स्कूल का सवाल हो या कॉलेज का सवाल हो। शैलेंद्र जी, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमने देखा कि डिस्टेंस एजुकेशन भी एक हमारे पास में ऑप्शन था जिस पर आप पढ़ाई कर सकते थे, और मुझे लगता है कि कोरोना ने हर स्कूल कॉलेज को डिस्टेंस एजुकेशन बना दिया है, तो क्या डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों की डिग्री रेगुलर बच्चों की डिग्री से कम तर आंकी जाती थी? क्या ऐसी स्थिति तो नहीं है? क्वालिटी तो डिस्टर्ब नहीं होगी इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि क्वालिटी जो है एनहांस हो जाएगी। मैडम, इसमें एनहांस इसके लिए हो जाएगी क्योंकि हम जो है बहुत सारी जानकारियाँ जो लोडेड हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की, वो भी लेकर के हम इसमें पढ़ा सकते हैं। हम इसमें टैलेंटेड टीचर्स लेकर के एडिशनल टीचिंग कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में जो है ये ऑनलाइन तो होती नहीं, डिस्टेंस लर्निंग तो जो है वो कोर्स वहाँ से आ जाता है और लोग पढ़ के एग्ज़ाम दे देते हैं, उसका एक अलग मेथड है, बट ऑनलाइन का मेथड अलग है। डिस्टेंस में अब ऑनलाइन जुड़ जाएगा मैडम, डिस्टेंस लर्निंग भी अब ऑनलाइन के थ्रू होने लगी जो पहले नहीं होती थी। सो दिस विल बी अ वेरी बिग बेनिफिट टू द डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स ऑल्सो। नाउ विद दे विल डिमांड कि साहब आप ऑनलाइन करिए ऑल द लेक्चर्स, दे विल डिमांड दैट ऑनलाइन करिए, एंड जो पढ़ा रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस लर्निंग में हैं वो डिस्टेंस लर्निंग में उनको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, चूँकि यह एक सिस्टम में आ चुका है। बिकॉज ऑनलाइन अब लोगों को समझ आने लगा है कि ऑनलाइन इज़ गुड एंड पीपल आर ट्राइंग टू अपग्रेड देमसेल्व्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द ऑनलाइन टीचिंग ऑफ द टीचर्स। ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर हम किसी कॉलेज की बात करते हैं तो RIT में किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, क्या कुछ नया इनोवेशन यहाँ पर किया जा रहा है बच्चों के लिहाज से पढ़ाने के लिए, कुछ खास? हाँ मैडम, हम लोग यहाँ से सबसे मेन क्या है कि स्पेशलाइज्ड टीचर्स, जैसे मैंने आपको बताया, हम हायर किए हैं थ्रू आउट द कंट्री, उनके द्वारा जो है हम बच्चों को स्पेशल एजुकेशन, खास करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जहाँ पे की ज़रूरत रहती है उसको हम पढ़ा रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा रहे हैं, MBA में हम लोग ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है, तो उसमें हम लोग जो है स्पेशल कोचिंग करवा रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के जो रेगुलर जो उनके जो स्टाफ हैं उनके द्वारा। तो यह सब एक जो बेनिफिट हो रहा है ऑनलाइन टीचिंग में, यह बेनिफिट नॉर्मल रूटीन में नहीं हो पाता है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में फिज़िकली आप बुला नहीं पाते लोगों को और वो पॉसिबल हो नहीं पाता है। बट चूँकि ऑनलाइन में स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, बच्चों को दिन में समय ज़्यादा मिल जाता है, तो इफ़ दे आर बेसिकली, अगर वो अपने आप को अच्छे से सेट करें टाइम को, जहाँ तक का टाइम का सवाल है, तो इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर देम टू स्टडी लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इट्स वेरी इजी फॉर अस ऑल्सो टू एजुकेट देम ऑन ऑल द लेवल्स। तो हम लोग जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनको स्पेशलाइज टीचिंग भी करें और नॉलेज उनका बढ़े। नॉलेज बढ़ने से जो है जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, एंड दे विल बी वेल प्लेस्ड फॉर विच दे कम टू द कॉलेज।
शैलेंद्र जी, जब ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि कॉलेज में टाइम टेबल बनता है, उस टाइम टेबल में 45 मिनट या 40 मिनट की क्लासेस में टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या ऑनलाइन क्लासेस में भी कुछ इस तरीके से आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया है, पर्टिकुलर टाइम पर ये जो टीचर हैं वो पढ़ाएंगे, इसकी जानकारी बच्चों को कैसे होती है, और अगर वो बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं तो क्या ये सारी चीज़ें फिर रिकॉर्ड होती है? मुझे लगता है इसके बारे में थोड़ी डिटेल आप जानकारी दें। हाँ, हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, हर क्लास का टाइम टेबल बनता है, उस टाइम टेबल के हिसाब से बच्चे लोग क्लास अटेंड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस। बच्चे लोगों को वो व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जाता है, हर किसी का व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल आईडीज हैं, तो टाइम टेबल भेज दिया जाता है और हर बच्चा उस समय लॉगिन हो जाता है। हर पीरियड की समय सीमा है, जैसे कि क्लास लगती वैसे ही समय सीमा तय है, और अगर जैसे ज़्यादा पढ़ाना है तो इसमें ज़्यादा भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो टाइम टेबल के बाद तो वो बच्चे लोग को समझ आ जाता है कि हम लोगों को इसमें और पढ़ाया जाएगा, तो टाइम टेबल के बाद भी वो रुकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग हर क्लास को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग को हम लोग यूट्यूब में डे टू डे बेसिस में पोस्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसको ये पता रहता है कि मैं अगर मिस भी किया हूँ कोई क्लास, कोई बच्चा, तो उसको YouTube में वो क्लास मिल जाती है, तो वो क्या है कि ही इज़ नॉट लूजिंग एनीथिंग, ही इज़ गेनिंग एवरी टाइम, तो उससे उसको फ़ायदा ही हो रहा है। अच्छा, इसमें जो आप केवल अपनी यूनिवर्सिटी या अपने इंडिया की ही नहीं, आप ये देखिए कि इसमें बाहर के जो दूसरे देशों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर अगर बहुत अच्छा मैटर है, अगर वो डाला गया है, तो क्या उसको भी यूज़ किया जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पर? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कहीं बंदिश नहीं है, उस यूनिवर्सिटी द्वारा कोई बंदिश नहीं है कि आप नहीं ले सकते। ये सबसे अच्छी चीज़ है, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फोरम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी किसी भी कोर्स को आप लेकर के कहीं भी पढ़ा सकते हैं, किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है, एंड नोबडी इज़ गोइंग टू क्लेम कि आपने हमारा ये क्यों पढ़ाया, इट्स देयर एंड इट इज़ फॉर एवरीबडी। तो कहीं से भी जो भी अच्छा मैटर मिलता है, सपोज़ वो कोलंबिया का हो या स्टैनफर्ड का हो या कैम्ब्रिज का हो, यू कैन ऑलवेज टेक द कंटेंट एंड टीच द स्टूडेंट्स। आपको लगता है शैलेंद्र जी, COVID-19 ने एक ऑप्शन दे दिया आपके पास में कि अब आपको ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से भी आगे बढ़ना होगा? ऐसा लगता है कि आगे चलकर यूनिवर्सिटी जो भी एक्ट है या उसमें भी संशोधन करके अब इसको भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अब ये भी एक अच्छा विकल्प है? यह एक ऑप्शन के रूप में तैयार है और इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी एक्ट में, जिसमें कि ऑनलाइन को जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ टीचिंग बनाया जाए ऑफलाइन के साथ, ताकि जैसे क्या होता है कि बहुत जो रिसोर्सफुल बच्चे जो नहीं होते हैं, जो नहीं आ सकते, जो पैसों के कारण ये हो जाते हैं कि भाई नहीं है पैसे, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कितना अच्छा है बताइए आप। मतलब ये है कि वी कैन टीच देम ऑनलाइन जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, सोचिए तो ये कितनी अच्छी चीज़ है, एंड इट शुड बी एडेड। मेरा यह अनुरोध है सरकार से कि इसको जो है वो बिल्कुल ऐसे विकल्प इसको डाले यूनिवर्सिटी एक्ट में, और फ्लेक्सिबिलिटी लाए, थोड़ा सा जो एडमेंसी रहती है गवर्नमेंट वाले यूनिवर्सिटीज़ में, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाए। शिक्षा से वंचित ना हो, बहुत अहम बात आपने कही। RIT में कितने तरीके के कोर्स संचालित हैं और यहाँ पर कैंपस किस तरीके से आप लोग प्रोवाइड करते हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी कितनी होती है? हम लोग के पास अभी फ़िलहाल में 8 कॉलेजेस हैं अलग अलग, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया जिसमें कि BTech, MTech, PhD है, उसके अलावा फार्मेसी है, B Pharma, D Pharma है, नर्सिंग कॉलेजेस हैं हमारे पास, उसके बाद होटल मैनेजमेंट है, उसके बाद BCom BBA कॉलेज है, उसके बाद MBA PGDM कॉलेज है, BEd DEd कॉलेज है, कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉलेज है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ऐसे हम लोग एक पूरे समूह में चला रहे हैं कॉलेजेस को। और ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा पूरे स्टेट में, जो कि सन 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था, एंड इट वॉज द फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। उसके बाद धीरे धीरे हम बाकी कॉलेजेस को भी डेवलप कर चुके हैं, एंड सभी में जो है पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, और जॉब जो हैं, प्लेसमेंट का जहाँ तक सवाल है, वी आर प्रोवाइडिंग जॉब्स टू ईच एंड एवरी एलिजिबल स्टूडेंट। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है वो हमारे रडार में है,
और उसको जॉब लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम उसको जॉब भी प्लेसमेंट के लिए अवसर प्रदान करते हैं एंड ही अपीयर्स फॉर ऑल द जॉब्स एंड लॉट ऑफ पीपल दे गेट जॉब्स विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ऑनलाइन में भी हम लोग ने जॉब्स प्लेसमेंट्स के लिए हम लोग ने यहाँ पे कैंप्स लगाए हैं ऑनलाइन एंड इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। आखिर में कोई संदेश आप देना चाहें अपने दर्शकों? मेरा यही मानना है कि COVID-19 से बच्चे निराश ना हों, ऑनलाइन एजुकेशन से निराश ना हों, क्योंकि बहुत जल्दी ऑफलाइन भी मेरे ख्याल से आ जाएगा एक्शन में, परंतु कितना सक्सेसफुल होगा अगर उसके बाद फिर बढ़ जाता है सपोज़ कोविड तो फिर बंद होगा, तो इसके लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस से लोग जो हैं वो हताश ना हो, बिकॉज इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, वेरी प्रूवन मॉडल, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में करते हैं ना चीज़ों को, अपने हिसाब से कर सकते हैं, एक टीचर बहुत सारी क्लासेस ले सकता है, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ मच बेटर सीन। बट ऑफलाइन का कोई विकल्प ऐसा 100% नहीं है, बट अगर जब तक ऑफलाइन नहीं है तब तक यह बुरा भी नहीं है, इसमें लोग ढल चुके हैं एंड पीपल हैव टू गेट यूज टू इट एंड थिंक पॉजिटिवली एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट। बहुत अहम जानकारी आज आपने दी शरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कोविड का खतरा जरूर है, लेकिन अब इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि इस खतरे को भी अवसर में बदला जा रहा है, ताकि किसी भी बच्चे का ना ही एजुकेशन प्रभावित हो और ना ही करियर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।